हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ आवर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार टीचर का जो वैकेंसी आया है उसमें सरकार ने जो बीटेक वालों का हाथ में लॉलीपॉप देकर मुंह में लेने से पहले जो छीन लिया गया है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 9th-10th के लिए मैथ और साइंस के लिए जो टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो बीएड बीटेक वालों को जो अलाउ किया गया था, हम उसकी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, ये जो ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि बीएड चाहिए, 9th-10th वालों के लिए बीएड चाहिए। इससे पहले की कहानी है वो ये है कि बीटेक वाले को अलाउ ही नहीं किया जाता था। ये देखिए, ये कोई एक आर्टिकल हम ऐसे ही सर्च मार कर निकाले थे जिसमें लिखा हुआ है बीटेक डिग्री वाले नहीं बन सकेगी गणित के शिक्षक, हाई कोर्ट ने शिक्षक बनने की योग्यता में छूट देने से किया इनकार। और ये आर्टिकल कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 2021 का है, मतलब और इससे पहले से भी ये टीचर वाले में एलिजिबल नहीं थे बीटेक वाले, क्योंकि बीटेक वाले में मतलब बीटेक वाले में एक सब्जेक्ट, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो 9th-10th में पढ़ाया जाता हो वो पूरा सेमेस्टर नहीं था, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो मतलब पूरा सेमेस्टर चले। तो लेकिन इसमें जो एलिजिबिलिटी में जो खोजा जाता था वो ये खोजा जाता था कि कोई एक जो तुम्हारा बैचलर डिग्री है उसमें कोई एक ऐसा सब्जेक्ट हो जो तुम्हारा सारे सेमेस्टर या ईयर जो भी हो उसमें होना चाहिए, जो कि 9th-10th में पढ़ना हो। जैसे फिजिक्स, जो अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन जो कर रहा है फिजिक्स से, तो उसको जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो 3 साल होता है, नॉर्मल ग्रेजुएशन में 3 साल होता है तो 3 साल होता है। उस तरह का कोई एक सब्जेक्ट जो कि बीटेक में नहीं है। जैसे अगर मैथ की बात करें तो मैथ 3 ही सेमेस्टर में होता था, पूरा ईयर में तो होता नहीं था। इसीलिए मतलब उससे पहले एलिजिबल होता था, ये जो मैथ वाले में टीचर वाले होते थे वो एलिजिबल होते थे, लेकिन बाद में भी हटा दिया गया था। मैथ वाले एलिजिबल नहीं थे, न मैथ में एलिजिबल थे और ना साइंस में एलिजिबल थे। तो लोग बीटेक बीएड करते ही नहीं थे, क्योंकि जब एलिजिबल ही नहीं है तो हम बीएड क्यों करेंगे। मतलब कोई ऐसा कुत्ता तो काटा नहीं था जो हम बीएड करने जाएंगे जब एलिजिबल ही नहीं हो। तो 9th-10th के लिए, अब 1 to 5 के लिए तो अभी इतना भी अथी थोड़ी नहीं, इंजीनियरिंग वाला सोचता है कि 1 to 5 में जा करके पढ़ाएंगे। तो 9th-10th के लिए कुल लोग बीएड करते ही नहीं थे, कोई एक दो अगर अपना मन से कर लिया तो कर लिया, बाकी तो जब एलिजिबल ही नहीं थे तो नहीं करते थे। उसके बाद एक और आर्टिकल, उसमें आप देखो ये कुछ दिन पहले का आर्टिकल है, बीटेक कैंडिडेट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मैथ टीचर पोस्ट हाई कोर्ट। ये भी कोई हाई कोर्ट का ही जजमेंट है जो कि हैदराबाद का, ये भी बिहार का नहीं है, हैदराबाद का है और तेलंगाना, सॉरी मतलब तेलंगाना का है, हैदराबाद कोर्ट हाई कोर्ट में दिया गया है। तो इसमें देखो इलिजिबल किया गया, और ये है कब का, 30 मई 2023 का, यानी मतलब ये जस्ट जस्ट ये सब करना शुरू हुआ है। अब बताओ, ये पहले से तो इलिजिबल नहीं थे मतलब बीएड वाले बीटेक वाले बी अथी में टीचर में, अब अचानक से आप उसको इलिजिबल करोगे, अचानक से जब आप उसको एलिजिबल करोगे और खोजोगे कि तुम्हारा डिग्री लेकर आओ तो कहाँ से डिग्री लेकर, कम से कम एटलीस्ट जितना डिग्री पूरा करने का जो ड्यूरेशन होता है वो तो देना चाहिए ना आपको। अब जैसे देखो, एक और नोटिफिकेशन हम दिखाते हैं, ये नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय का जो कि हाल ही में 2022 में वैकेंसी आई थी उसका। इसमें देखो, इसमें मैथ वाले में टीजीटी मैथ में बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि बैचलर डिग्री किस में होना चाहिए, मैथमेटिक्स में विथ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब इसमें से तो कोई दो एक रहेगा, क्योंकि अगर कोई मैथ लेता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो लेता ही है। तो अब बताओ, इसमें भी इलिजिबल नहीं, जबकि ये 2022 का वैकेंसी है, कुछ ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, यही अक्टूबर नवंबर के आसपास कुछ आया था ये वैकेंसी। तो आप सोचो कि कोई बीएड क्यों करेगा, और अगर बीएड करेगा तो मतलब अपने मन से अगर कोई किया होगा, एक आधो एलिजिबल होगा तो क्या होगा, अब उसका तो नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में जब बीएड अलाउ, बीटेक वाले अलाउ नहीं है तो बीएड क्यों करेगा। अब आप अचानक से उसको अलाउ कर रहे हो और उसको समय भी नहीं दे रहे हो, जैसे आपको अगर अलाउ करना था बीएड वाले को बीटेक वाले को इसमें, तो आप 2 साल का समय देते, जितना कोर्स ड्यूरेशन होता है बीएड का उतना आप समय देते कि हाँ भाई तुम ये कर लो, इतना दिन के बाद अगर कोई वैकेंसी आएगा तो फिर आप इलिजिबल हो जाओगे। अब आप तुरंत बता रहे हो कि बीएड वाले अलाउ है, बीटेक वाले अलाउ है, बीएड चाहिए, कहाँ से कोई करेगा, और अगर करेगा तो आप अलाउ ही क्यों किए।
मतलब ये क्या मतलब दिखाने के लिए कि देखो हम रोजगार दे रहे हैं बीटेक वाले को। अरे हर बार बीटेक वाले ही क्यों पिसा है? आप जूनियर इंजीनियर में भी बीटेक वाले को अलाउ नहीं कर रहे हो, हर हर चीज़ में बीटेक वाले को अलाउ नहीं कर रहे हो। अब इतना तो आप समझ गए हो कि बीटेक वाले को अलाउ किया है बट बीएड का डिग्री नहीं है, तो बीएड का डिग्री नहीं है तो आप सीटेट एस्टेट दे नहीं सकते हो, तो इसका कोई तुक नहीं बनता है कि आप बीएड बीटेक वाले को अलाउ कर रहे हो। लेकिन अब हमारी मांग ये है कि अगर आप बीटेक वाले को अलाउ किए हो तो आप उसको विदाउट बीएड और विदाउट सीटेट एस्टेट का अलाउ कीजिए, बड़ा अलाउ करने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारी मांग ये है इस वीडियो के माध्यम से कि अलाउ बीटेक इन बिहार टीचर रिक्रूटमेंट विदाउट बीएड एंड सीटेट एस्टेट फॉर क्लास 9 10th गणित एंड विज्ञान। अरे यूनिटी ही नहीं है यार बीटेक वालों में। एक पिछले बार 2018 में जब वो जो जेई का वैकेंसी आया था उसमें जब मतलब कि बीएड बीटेक वाले को अलाउ नहीं कर रहा था तो लोग कुछ गए थे धरना पे, तो मुश्किल से 100 लोग गए थे। अरे 35-36 कॉलेज है, 100 लोग जाते हो बताओ। सही कहता है, जैसे जो गांव में होता है ना, गांव में बहुत यूनिटी होता है, गांव में कम पढ़ा लिखा लोग रहता है, बहुत यूनिटी रहता है। अगर किसी के गांव में अगर जा करके अगर तुम किसी एक को भी टच करके आ जाओगे ना, पूरा गांव उठ के तुमको उठा कर के आ जाएगा। शहर में जाओ, तुम्हारे बगल वाले मतलब कि अगर तुमको कोई मार रहा है, तुम्हारे बगल वाला घर वाला कुछ नहीं देख रहा। अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था दिल्ली का, जो जिसमें एक लड़की को एक लड़का मतलब बुरी तरह मार रहा था, उससे 18 लोग क्रॉस किए थे, किसी ने मतलब ये नहीं सोचा कि हाँ उसको हम रोक पाए, 18 लोग क्रॉस किए थे। यही हाल है बीटेक वालों का, मतलब पढ़ लिख करके क्या यूनिटी के नाम पे कुछ नहीं है। मतलब अगर मतलब कुछ भी बीटेक वालों के लोग कुछ भी पेल के जा मतलब फेंक के जा रहे हैं, मतलब बीटेक वाले छोड़ो ना, होगा नहीं। मतलब यूनिटी के नाम पे कुछ नहीं है बीटेक वालों में। वो जो बोल रहे हैं ना शहर गांव में जाओगे तो, और शहर में पढ़ा लिखा लोग रहता है किसी को कुछ कुछ मतलब नहीं, बीटेक वालों में एकदम सेम वैसा ही। कुछ दिन पहले जब धरना दिए थे तो मुश्किल से 100 लोग गए थे, क्या 100 ही लोग बीटेक वाले हो? अरे हमको तो लगता है पटना में, जैसे पटना में धरना था, पटना में अगर कितनों कम तो 20-30 हज़ार तो बीटेक वाले रहते ही होंगे। अरे अब 38 कॉलेज है ना बिहार में, 38-36 कुछ ऐसा ही है, अगर सब में अगर 1,000-1,000 लड़का हो तो 38,000 लड़का करेंट अभी पढ़ रहा होगा बीटेक में। और करेंट की बात करें, अगर कोई पास आउट होगा, अरे हम मतलब कि और भी पास आउट होगा कुछ ऐसा तो है नहीं कि बीटेक वाले सबका जॉब ही लग जा रहा है, सब लोग मतलब एकदम खुशी ही है लाइफ में। यार यूनिटी दिखाओ बीटेक वाले। हम तो कहते हैं कि अरे भाई हम तो कह रहे हैं ना कि हैशटैग चलाओ ट्विटर पे, अलाउ बीटेक विदाउट बीएड एंड जीटेट एंड एस्टेट इन बिहार टीचर रिक्रूटमेंट। बीटेक वालों यूनिटी के नाम पे कुछ है ही नहीं। अगर ये वीडियो कोई बीटेक वाला देख रहा हो और उसे मेरी बात अगर मतलब जरा सा भी मेरे बात से कुछ रिलेट कर रहा हो और उसे अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि हर बीटेक वाले के पास ये पहुंचनी चाहिए। अरे शेयर क्या करना, खुद वीडियो बनाओ। अरे मतलब बीटेक वाले के पास क्या नहीं होता बोलने का, लेकिन हर कुछ तो होता है। खुद वीडियो बनाओ, इतना वीडियो बनाओ, इतना वीडियो बनाओ, हर एक लड़का वीडियो बनाओ, पूरा यूट्यूब को भर दो सिर्फ इस वाले वीडियो से, इतना बूम करो इसको ना कि सरकार के पास ये बात पहुंचे। यार हर बात में बीटेक वालों को क्यों पीसना? हम तो कहते हैं अगर ये भी वीडियो नहीं बना रहे हो तो ये भी वीडियो को स्टेटस लगाओ ताकि सारा वीडियो देखे, और इस वीडियो के कमेंट में अगर 1,000 कमेंट हुआ तो मतलब इसको एक प्रोटेस्ट लेवल पे ले जाओ। तो लगना तो चाहिए यार बीटेक वाले में यूनिटी है, कुछ कर सकता है बीटेक वाला। यार कभी कुछ में हर चीज में बीटेक वालों के लॉ ही नहीं कर रहे हो, उससे अच्छा तो आईटीआई वाला, या आईटीआई वाला के भी मतलब अधिकतर चीज में अलाउ होता है। तो हम मतलब इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाह रहे थे कि मतलब यूनिटी दिखाओ, कुछ करो। फॉर्म तो स्टार्ट हो गया है, अब कुछ दिन तक ये भराएगा, उसके बाद अगर कुछ नहीं किए, मे बी अगर कुछ किए तो कुछ हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा, 1,70,000 वैकेंसी मायने रखती है। हम मुझे तो लगता है कि ये जो वैकेंसी आ रही है इसमें तो लगभग 30-40% वैकेंसी खाली जाएगी, ऐसा लग रहा है। तो अभी मौका है हम लोग के पास, ये जो वैकेंसी आई है इसमें अगर अलाउ हम लोग को
कुछ परिश्रम करने के पश्चात अगर कुछ होता है तो करते हैं। इस वीडियो में अगर 1000 कमेंट आया तो हम एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, उसमें सारा बीटेक वाले को ऐड करेंगे, जो जो 1000 कमेंट, अगर 1000 कमेंट करने का मतलब है कि 1000 लड़का जो इंटरेस्टेड है इस चीज में, और अगर 1000 लड़का इंटरेस्टेड है तो अगर सपोज कर अगर वो 5-5 लड़का को इन्फ्लुएंस किया कि अरे भाई चलो मतलब प्रोटेस्ट कर दें, तो 5000 लड़का, अरे 5000 लड़का मायने रखता है किसी भी प्रोटेस्ट में, यूनिटी दिखाओगे तब ना। तो इस वीडियो का जो हम अथी रख रहे हैं कि कमेंट 1000 कमेंट आए ताकि मतलब यूनिटी रहेगा तब ना कोई कुछ करेगा, उसको लगना चाहिए कि हाँ मतलब कुछ लोग है साथ में। तो 1000 कमेंट करो, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं 1000 कमेंट आने के बाद, और फिर सब मिलकर कुछ एक चीज डिसाइड करते हैं और उसी राह पे चलकर प्रोटेस्ट करेंगे तगड़ा वाला। ओके, तो इसी के साथ हम ये वीडियो रख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ बीटेक वाले जाग जाओ वरना कुछ नहीं हो सकता। ये जो हाथ में लॉलीपॉप देकर जो मुंह में डालने से पहले छीना जा रहा है ना, ये हमेशा का अब नहीं होगा। ओके, सरकार को भी तो जाना, अरे यहाँ का बिहार का जो मुख्यमंत्री वो खुद बीटेक किया हुआ है, कुछ समझ ही नहीं है भाई क्या मतलब कुछ भी। ओके, थैंक यू।